हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्या नाम है मैम आपका? मिसेस प्रज्ञा पांडे, क्या एज आपकी? 44 ईयर। अच्छा, क्या करते हैं मैम आप? मैं टीचिंग जॉब में। टीचिंग। रायपुर में ही है? रायपुर के? जी, अच्छा रायपुर में। ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी आपको 1 साल पहले जो आप प्रॉब्लम में थे और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे? सर्वाइकल की, ये लेफ्ट साइड में पूरा पेन होता था, ये बैक साइड से ये इधर होते हुए पूरा पेन होता था, तो काफी तकलीफ थी। सिर झुकाने में भी, उठाने में, गाड़ी चलाने में, मतलब किसी भी प्रकार की वर्किंग में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अच्छा, और जैसे आप हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं तो जी दोनों ही चीज में प्रॉब्लम होती थी जी आपको? दोनों दोनों वर्क में प्रॉब्लम थी मुझे। कितने समय से था सर्वाइकल आपको? ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, अच्छा, मतलब 4-5 साल तो हो ही गया होगा। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट आपका खत्म हो गया कि अभी भी चल रहा है? नहीं, ट्रीटमेंट बंद हो गया है बंद हो गया। कितना जी। टाइम हो गया ट्रीटमेंट बंद हुए? ये मुझे मतलब बहुत तकलीफ जब बढ़ी, तो मैंने 1 साल पहले ट्रीटमेंट लिया था हाँ। और वो कंप्लीट है। 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे ट्रीटमेंट के, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं जैसे है। आपने बताया 4-5 साल से प्रॉब्लम थी आपको जी सर्वाइकल की, तो कहीं जी और ट्रीटमेंट लिए थे आप? नहीं, कहीं कोई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं चला नहीं है। आपका? ठीक है। और अभी जैसे ये इतने साल हो गए आपकी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ खत्म हुए, तो उसके बाद वापस आई प्रॉब्लम रीअकर हुई या नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल है नॉर्मल है। जी। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, हमारी तरफ से कोई फोर्स तो नहीं है आपको बोलने में? नहीं, नहीं। मैंने कई लोगों को एडवाइस दी है इसकी अच्छा, जी। और ट्रीटमेंट चला कैसे था आपका? कुछ हम प्रोसेस मेडिसिनल ट्रीटमेंट था, कुछ किए थे, कुछ इंजेक्शन यूज किए थे, क्या किए थे? नहीं, केवल मुझे मेडिसिन मिली थी वो पीने के लिए, लिक्विड वाली। उसी से ठीक हो गए आप? जी, तो रेगुलर वो फिजियो भी अगर है तो नहीं था ना? नहीं, कुछ भी नहीं। जी नहीं। अच्छा, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं इसमें कोई फोर्स नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, और अगर हम इसको कहीं शेयर करते हैं जैसे किसी के लिए भी एजुकेशन पर्पस के लिए, जी तो कोई ऑब्जेक्शन आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है।